जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। सो आप सभी हमारी इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज का करंट अफेयर हमारा नवंबर 2023 का पूरा एक कंप्लीट सेशन रहेगा, जिसमें आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, डिफेंस, रेलवे और जो भी हमारे हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहते हैं, उसके साथ साथ जितने भी वन डे एग्ज़ाम रहने वाले हैं, उन सभी के लिए आपका ये करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस करंट अफेयर में हमारे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू पर्सन, मिसलेनियस क्वेश्चन सारे इंक्लूड रहने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से इस क्लास के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। आज की इस क्लास में हम क्विज के साथ साथ, जो कि हमारी वीकली क्विज भी रहती है, जिसमें हम पूरे के पूरे एक हफ्ते का, यानी कि पूरे एक महीने के जो चार हफ्ते होते हैं, उन सभी का एक कंप्लीट निचोड़ हम निकालते हैं। उस वीकली क्विज के साथ साथ हम मंथली वन लाइनर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे 4B के वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, हम उनको मंथली में जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। पूरे मंथ का करंट अफेयर आपके लिए रहने वाला है। तो नवंबर 2023 का ये करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अभी जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था, ये आप सभी जानते हैं, मेंस वर्ल्ड कप। और अब जो है ICC अंडर 19 का जो है वो भी वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है, जो कि आपका 2024 में आयोजित होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर, दक्षिण अफ्रीका में। ये हमारे MCQ की फॉर्म में, यानी कि क्विज की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपके पास दी जाएगी। तो देखिए, इसमें बताया गया कि 2024 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ये किया जाएगा, और इसमें जो है सरकारी हस्तक्षेप के बिना प्रबंधित करने में विफल रहने के कारण जो है वो श्रीलंका को जो है वो निलंबित कर दिया था, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग से जो है वो सम्मानित किया गया है, जिसको GI टैग जो है वो दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। इसका जो सही आंसर है वो है किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा केसर जो है वो कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जो एक जिला है, उसके केसर को जो है वो अभी हाल ही में GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, नए मेंटर जो है वो है गौतम गंभीर, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पहले जो है वो कैप्टन भी जो है वो रह चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को जो है वो चुना था। और भारत के पूर्वी सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ काफ़ी टाइम से जो है वो जुड़े हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो लास्ट प्लेयर होते हैं टीम के, जैसे कि सुनील नारायण को ओपनिंग पे खिलाना जो है वो, ये भी गौतम गंभीर के ही टाइम में जो है वो शुरू किया था, जो कि उस स्ट्रेटर्जी को जो है वो आज तक जो है वो KKR जो है वो फॉलो करता है। तो देखिए, 2011 से 2017 तक ये जो थे वो KKR के सदस्य थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को चुना था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने मेंटर के रूप में जो है वो फिर से इन्हें ही दोबारा जो है वो चुना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ये डायरेक्ट आपके पास इमेज जो है वो इनकी दी गई है,
या बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। इसमें क्या बताया गया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मतलब है यानी कि CCTV जो कि कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे और उन्हीं की मदद से जो है वो महिलाओं की जो है वो सुरक्षा की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूपी में जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और ये कहाँ कहाँ पे कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे, जैसे कि सरकारी गैर सरकारी स्कूल रहते हैं, हमारे कॉलेज हैं, उसके बाद जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो CCTV के माध्यम से जो है वो निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में जो है वो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। हमारा जो भारत है वो भी सौर इंडिया में जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक कंट्री जो है वो निकल के आई है, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो भारत बनी है। अगर मैं सोलर ऊर्जा के मामले में अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा का उद्घाटन जो है वो UAE यानी कि जो दुबई है वहां पर जो है ये किया गया है। कहाँ पर किया गया है, अबू धाबी से जो है ये 35 किलोमीटर जो है वो ये दूर जो है वो स्थित है। और आप देख सकते हैं कितनी घरों के लिए जो है ये बिजली जो है वो पैदा करेगा, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हिमाचल के करंट अफेयर से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो उद्घाटन किया है? तो ये करंट अफेयर आपका नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे हिमाचल से जो है वो जुड़ा है, तो आप इसको जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हिमाचल से जुड़ा है, विद्या समीक्षा केंद्र जो है ये कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया, तो शिमला में। अब विद्या समीक्षा केंद्र है क्या, तो ये जो है एक डाटा भंडार है जिसमें शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सभी योजनाओं का जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो एडटेक कंपनी के साथ जो है वो एक डील जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से भी जुड़ा ये क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था फतिमा बीबी। तो फतिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस जो है वो रही हैं। 96 साल की उम्र में जो है वो इनका निधन हो गया। पहली महिला मुस्लिम भी यही थी और देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी यही बनी थी। उन्होंने केरल से जो है वो ये अपना वकील के रूप में जो है वो अपना कार्यकाल जो है वो शुरू किया था और उसके 1989 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनकर जो है वो वहाँ पे गई और इन्होंने जो है वो इतिहास बनाया, हिस्ट्री में जो है वो अपना नाम जो है इन्होंने रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो साउथ इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक SIB जिसको हम कहते हैं, इसके अतिरिक्त निदेशक के रूप में जो है वो लक्ष्मी रामकृष्ण निवास जी को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये बैंकिंग क्षेत्र से जो है वो काफी लंबे समय से जो जुड़ी है और भारतीय स्टेट बैंक की ये मुख्य महाप्रबंधक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये रह चुकी हैं, MD आप बोल सकते हैं। तो अब इनको जो है वो साउथ इंडियन बैंक का जो है वो अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व विरासत सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो हो चुका है 19 से 25 नवंबर के बीच बीच में। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं कि विरासत, विरासत का मतलब क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो हमारी संस्कृति ने हमें दिए हैं, हमारे हिस्ट्री के द्वारा जो है वो हमें मिले हैं, जैसे कि
कुछ हमारी पुरानी परंपरा है, कुछ संस्कृति है, ये कुछ महल हैं जो हमारे जो है वो हमारे संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो है वो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है वो ये सप्ताह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो है ये सूर्य किरण अभ्यास जो है वो किया जाता है। अ मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये कब की गई? 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक जो है ये की जाएगी। तो 24 नवंबर से जो है ये 7 दिसंबर 2023 तक जो है ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो है वो भारत की सेना और नेपाल की सेना के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या कहा गया है? तो जो काली मिर्च की एक नई किस्म को अभी हाल ही में विकसित किया गया है, उसका जो नाम रखा गया है उसका नाम है चंद्रा। आप ध्यान दीजिए, चंद्रा नाम किसका रखा गया है? तो ये अभी हाल ही में काली मिर्च की नई किस्म जो है वो विकसित की गई है, उसका नाम रखा गया है चंद्रा। तो ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसको ISR के नाम से जो है वो हम जानते हैं, ISR के नाम से हम इसको जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। हाँ, ये जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, हाँ, बिल्कुल सही आंसर जो है वो आप यहाँ पे दे रहे हैं। ये भारतीय अनुसंधान संस्थान जो कि मसालों से रिलेटेड है, उसके द्वारा एक नई काली मिर्च को जो है वो विकसित किया गया है, यानी कि नई मिर्च का उन्होंने अनुसंधान जो है वो किया है और उसका नाम रखा गया है चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देवाशीष भट्टाचार्य जी को जो है वो सम्मानित किया। देवाशीष भट्टाचार्य जो हैं, इनको नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर किलोए निलोई कुंडू को युवा मेडलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनके साथी कमाची मुदाली उदांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है वो सम्मानित किया गया। ये सभी अवार्ड जो है वो इस्पात मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो मिला है? तो इश्वाक सिंह को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, और उनकी फिल्म बर्लिन में उनका जो बेहतरीन प्रदर्शन था उसके लिए इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 14 न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है वो शपथ ली है? तो पटना उच्च न्यायालय के उसमें जो है वो इनको जो है वो शपथ दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के जो है ये क्या बनाए गए हैं? न्यायाधीश बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का जो है वो दर्जा दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जैसे कि हिमाचल का राजकीय पक्षी होता है, राजकीय फूल होता है, वैसे ही प्रसिद्ध घोल मछली जो है ये राजकीय मछली के रूप में घोषित की गई है गुजरात में, और 2023 में ही घोषित की गई, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि भूपेंद्र पटेल ने जो है इसकी एक कार्यक्रम में जो है वो घोषणा की थी। तो आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? चौथे भारतीय, यानी कि उससे पहले 3 भारतीयों को जो है ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी जो अवार्ड मिला है, जैसे कि भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको क्या कहा जाता है? भारत रत्न कहा जाता है, भारत रत्न के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च अवार्ड है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान उसका नाम है। और अब जो इसको अवार्ड मिला है वो है डॉक्टर सैदना मुस
मुश्छल सैफुद्दीन, सैफुद्दीन थोड़ा सा नाम इनका अटपटा है, ये आप देख लें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर मैं बात करूं, ये चौथे भारतीय बने हैं, यानी कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको निशान ए पाकिस्तान मिला था, तो भारत के प्रधानमंत्री भी वो रहे हैं, मोरारजी देसाई, इनको जो है वो क्या दिया गया था, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को जो है वो 2023 का जो है वो मनाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, और पूरा इंडिया जो है, पूरा भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध जो है वो उत्पादन करता है, और दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, और हड्डियों में जो है वो कैल्शियम की कमी को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का दूसरा सीजन जो है वो आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में अल्टीमेट खो खो, जैसे कि प्रो कबड्डी है हमारा, आईपीएल है, उसी तरीके से खो खो का भी खेल जो है वो अल्टीमेट खो खो एक लीग होती है, ये होती है पूरे भारत में, कहीं पर भी इसकी जो है वो ये करवाई जा सकती है, जैसे प्रो कबड्डी है वैसे ही अल्टीमेट खो खो का भी दूसरा लीग जो है वो स्टार्ट किया गया, दूसरा सीजन ये हुआ भुवनेश्वर में, आप ध्यान दीजिए भुवनेश्वर में जो है वो इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय चीनी का, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, और भारत जो है वो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और दूसरे नंबर पर जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा चीनी कौन यूज़ करता है? भारत यूज़ करता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी कि अगर चीनी बनाने की बात की जाए तो भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया? भारत को ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए होट कुक्ड मील योजना जो है वो शुरू की है? होट कुक्ड मील योजना, यानी कि जो खाना है वो उनको पका पकाया दिया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम छोटे थे तो हमें खाना जो है वो कच्चा जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, पहले पक्का भी दिया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होट कुक्ड मील योजना जो है वो शुरू की गई है, यानी कि उनको जो है वो पका पकाया खाना जो है वो उनको दिया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ये योजना जो है वो शुरू की गई है। बाकी आप इसकी बेसिक डिटेल जो है वो आप वीडियो के साथ साथ में रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत परिवहन दिवस को किस रूप में नामित किया गया है? एचआरटीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रह सकता है, विश्व सतत परिवहन दिवस को 26 नवंबर के रूप में जो है वो नामित किया गया है, ये अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में जो है वो एक कदम उठाया जाता है, उसके लिए 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस का रूप में जो है वो मनाया जाता है, ताकि हम अपने पर्यावरण के साथ साथ अपनी सेफ्टी को भी जो है वो ध्यान में रखें और परिवहन का जो है वो अच्छे तरीके से उपयोग करें। नेक्स्ट, डैश को नवंबर 2023 में मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो किसको जो है वो अभी हाल ही में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त जो है वो किया गया है? तो रॉबर्ट शैंट किटोंग को अभी हाल ही में भारत का उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि जो राजदूत कहा जाता है मोजाम्बिक गणराज्य में जो है वो ये भारत के अगले राजदूत रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक कहाँ पर जीता है? तो कहाँ पर उन्होंने उन्होंने ये पुरुष उन्होंने जो है वो एक कांस्य पदक जो है वो जीता है, ये आपको बताना है, तो जल्दी से आप इसका आंसर हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स में, और एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दीजिए,
देखिए ये जो जीता है ये दोहा में जीता है, क्योंकि हाल ही में दोहा में ये ISSF विश्व कप फाइनल 2023 जो है वो हुआ है, तो वहाँ पर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, उस लघु फिल्म का शीर्षक क्या था, यानी कि आपको फिल्म बतानी है जिसने 75 IFF में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमोरो फिल्म चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो जीता। उस फिल्म का नाम आपको बताना है, लघु फिल्म है, शॉर्ट मूवी है वो, उस फिल्म का नाम है ओड। ओड जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनेगा। और ये पहल तीसरे वर्ष में, जिसे 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष चिन्ह को चिन्हित करने के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में जो है वो लॉन्च किया गया था, तो इस फिल्म को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शॉर्ट फिल्म का जो है वो पुरस्कार दिया गया है IFF के द्वारा। नेक्स्ट वन, गुजरात टाइटल्स ने किसे अपना नया कप्तान बनाने का ऐलान जो है वो किया है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात टाइटल्स के जो कैप्टन थे वो थे हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या जो थे वो गुजरात के कैप्टन थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जो है वो गुजरात टाइटल्स के जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या उनको जो है वो रिटेन कर लिया है और वो मुंबई इंडियन में जो है वो वापस चले गए हैं। तो अभी नए कप्तान जो है वो किसको बनाया जाएगा, तो शुभमन गिल को जो है वो नया कप्तान जो है वो बनाया जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPL से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटर रीच कार्यक्रम की शुरुआत की, तो केंद्रीय मंत्री आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ही हो सकते हैं, जिनका नाम है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ओडिशा में जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है और ये 4 दिसंबर तक जो है वो ये समारोह जो है वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से जो है वो नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है ग्राहकों की हेल्प के लिए, तो उस एयरलाइन कंपनी का नाम है इंडिगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की ये कंपनी है इंडिगो, इन्होंने अपनी ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के लिए एक नया चैटबॉट जो है वो 6SKY जो है वो पेश किया गया है और इसका भारत के, हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंडिगो जो है वो भारत की कम लागत वाली एयरलाइन है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ध्यान दें इंडिगो का मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में, और भारत की जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एयरलाइन जो है वो ये रहती है, जो कि सबसे कम लागत में आपको जो है वो टिकट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट 29, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेटों का कप्तान बनाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके तीनों फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, तीनों फॉर्मेट होते हैं, एक T20 होता है, वनडे होता है और टेस्ट होता है, और उसके कप्तान किसको बनाया गया है, लॉरा बुलबार्ट को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और अगर मैं भारत की महिला प्रीमियर लीग की बात करूँ तो उसमें जो है ये गुजरात जाइंट्स की तरफ जो है ये क्रिकेट जो है वो खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व से एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है, तो जहाँ पे बाघों को रखा जाता है यानी कि टाइगर रिजर्व जो है वो रखा जाता है, वहाँ से एक नए पौधे की प्रजाति को खोजा गया है, तो उस प्रजाति का जो नाम है वो है कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर
रिजर्व, अच्छा सॉरी, यहाँ पे नए पौधे की जो खोज की गई है वो किस टाइगर रिजर्व से की गई है? कलक्कड़ मुंथन थुराई टाइगर रिजर्व। और ये जो है ये यहाँ एक टाइगर्स को जो है वो रखा जाता है, यहीं पर एक पौधे की जो है वो खोज हुई है। आप देख सकते हैं ये पौधा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी घाट पर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट वन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में 26 नवंबर को जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उसका नाम रखा गया है उज्ज्वला, यानी कि थीम जो है वो क्या रखी गई है? उज्ज्वला रखी गई है। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2000, क्योंकि पहली बार आयोजित हो रहे हैं, ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार ही आयोजित हो रहे हैं, और इसका लोगो और शुभंकर जो है वो उज्ज्वला को जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, जो कि हिमाचल के सांसद भी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, ये आप ध्यान दीजिए, उनके द्वारा जो है वो हिमाचल में काफ़ी बेहतरीन वर्ल्ड कप जो है वो भी करवाए गए, ये भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी है? यानी कि वहाँ पर 30 दिनों की वीजा फ्री यात्रा की अनुमति जो है वो दी गई है। 1 दिसंबर से ये जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, और ये किसके द्वारा किया गया है? मलेशिया के द्वारा जो है वो किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में फ्री वीजा यात्रा जो है वो कर सकते हैं। श्रीलंका और थाईलैंड के बाद मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देने वाला ये तीसरा एशियाई देश बना है। तो देखिए, इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड ने जो है वो पहले ही भारतीय के नागरिकों को फ्री यात्रा जो है वो दी है, यानी कि फ्री वीजा यात्रा जो है वो दी है, वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ईरान, तुर्की और जॉर्डन के यात्रियों को देश में वीजा छूट का आनंद जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इटली ने जो है ये अपने नाम किया है। और कितने वर्षों बाद? 47 वर्षों बाद जो है वो इन्होंने ये नाम खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? तो एक ब्रांड है सीसीटीवी की, कैमरे की, जिसका नाम है स्पर्श सीसीटीवी। इनके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर को बनाए गए हैं सोनू सूद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहता है। ये भारत की मेड इन इंडिया जो है वो सीसीटीवी जो है वो रहता है, भारत में ही इसको बनाया जाता है, और इसका भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं सोनू सूद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को, पॉल लिंच को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुपर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 नवंबर को, और गुरु नानक देव जी की जयंती जो है वो इस दिन होती है 27 नवंबर को। पूरे सिख धर्म में इसको काफ़ी हर्षों उल्लास से मनाया जाता है, और ये उनका एक गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष भी जो है वो, प्रकाश उत्सव जो है वो कहा जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु माने जाते थे, जिन्होंने उस सिख धर्म की जो है वो नींव रखी थी, इसलिए इसका आयोजन काफ़ी धूमधाम से जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? तो रश्मिका भीमी दीप्ति के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। एक भारतीय खिलाड़ियों के बीच फाइनल में रश्मिका ने जो है वो जीत जो है वो हासिल की थी। नेक्स्ट, मुंबई
की एक सड़क का नाम किस अभिनेता की याद में रखा जाएगा? तो विक्रम खोखले, विक्रम गोखले की याद में जो है वो एक सड़क का नाम जो है वो रखा जाएगा। इनका जो है वो 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इन्होंने जो है वो प्रीमियर एसोसिएशन को 1 एकड़ जमीन जो है वो भी दान में दी थी, और इन्होंने कल्याण कलाकारों के कल्याण में काफी बड़ा योगदान जो है वो दिया था। इसलिए अंधेरी पश्चिम से एक सड़क का नाम जो है वो इनके नाम के ऊपर जो है वो रखने का फैसला जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत और कौन सा देश संयुक्त हिमाई त्रो वेव उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो भारत के साथ अमेरिका जो है ये उपग्रह जो है वो लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट वन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2023-24 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो देखिए अफ्रीकी क्षेत्र से बात बात कर रहे हैं, अफ्रीका से, तो युगांडा की टीम ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है विश्व कप 2024 के लिए। जो T20 विश्व कप होना है तो वहाँ से अफ्रीकी क्षेत्र यानी कि जो अफ्रीका वाला एरिया है सारा का सारा, वहाँ से हर बार जो है वो जिम्बाब्वे की टीम आती थी, लेकिन अब जो है वो युगांडा की टीम जो है वो वहाँ से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन AI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैम ऑल्टमैन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? चीतों के लिए जो है ये मनाया जाता है 29 नवंबर को, पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है। इनकी संरक्षण को बढ़ाने के लिए, इनको इनका ध्यान रखने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनकी जो विरासत है इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है इसको पूरे भारत में या फिर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 सालों के लिए जो है ये बढ़ाया गया है। आप सभी जानते हैं 2 साल पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो शुरुआत की गई थी कोरोना वायरस के दौरान। COVID-19 महामारी जब शुरू हुई थी तब इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो है वो नागरिकों को मुफ्त अनाज जो है वो दिया जाता है, और यही योजना जो है अगले 5 सालों तक जो है वो जारी की जाएगी हमारी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें, कोस्ट गार्ड कमांडर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया है। तो नई दिल्ली इसका इम्पोर्टेंट, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वो 1978 में की गई थी, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंडर ही इसको जो है वो रखा जाता है, और इसका मेन काम जो है वो इंडियन नेवी के साथ जो है वो टाइप रहता है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो ज़्यादातर तटों के ऊपर ही हमारे भारत की जो है वो रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद में इसका जो है वो आयोजन किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और इसके तहत 5G AI अनुसंधान और 6G जो है वो लॉन्च किया जाएगा। 6G जो है वो लॉन्च किया जाने वाला है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि IIT रुड़की में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा जो है वो भारत सरकार के द्वारा की गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस को जो है वो ये सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस को 54 IFFI के आयोजन में जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी हमारे जितने भी एमसीक्यू थे वो हमने कवर किए, लगभग 48 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारे नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे। अब हम कुछ जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके जो भी अब तक हमने पढ़े वहीं से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ हम नए क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर ने अपने किसी नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया, तो गौतम गंभीर को। ये मैंने आपको बताया पहले जो थे ये कोलकाता के साथ जुड़े थे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को चुना, अब फिर से ये कोलकाता के नए मेंटर के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए हैं। मेंटर का मतलब है जो अपनी टीम को क्या करे, मोटिवेट करे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे, उसको मेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक ने आईपीएल 2024 में न खेलने का फैसला लिया, वे किस टीम के साथ जुड़े हैं? तो बेन स्टोक जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हैं, जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो क्या हैं, कैप्टन है। गुजरात जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग पीकेएल सीजन 10 से पहले किसे कप्तान बनाया? तो गुजरात जायंट्स जो है उसके नए कैप्टन जो हैं वो बने हैं फजल अत्राचली। 2 दिसंबर से इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, ये किस राज्य में उनके द्वारा कहा गया, किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई? नए भारत की नई शिक्षा ये उड़ीसा में जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया? तो किश्तवाड़ को। वैसे तो पूरे जम्मू में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है पूरे भारतवर्ष में ही, और किश्तवाड़ जिले को जो है वो अभी केसर के लिए जीआई टैग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? और उनका नाम है डॉक्टर सायदना, जो कि चौथे भारतीय जो हैं वो बने हैं। और अगर मैं पहले भारतीय की बात करूं तो मोरारजी देसाई जी को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है उसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी जो है वो लगाए जाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इन्होंने केरल से जो है वो अपनी शुरुआत की थी, और ये पहली महिला जज के साथ साथ पहली मुस्लिम महिला जज भी थी, वो यही रही थी। अगर आपको हमारे पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसमें डिफरेंट हमारे लाइव बैचेस, पेड कोर्सेज हमारे ओपन हैं आप सभी के लिए। आप उनको ज्वाइन कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है, साथ में आप अपने लिए टेस्ट सीरीज भी अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल से प्राइस उसके रखे गए हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए एक अधिकार अभियान शुरू किया है? हर बच्चे का अधिकार ये योजना जो है वो शुरू की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट वन, IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार में किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी जी को जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, उसको जीतने वाले चौथे भारतीय जो बने हैं वो है डॉक्टर सायदना, और पहले भारतीय जो थे वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय दर्जा दिया गया? राजकीय मछली जो है इसको बनाया गया है गुजरात की भूपेंद्र
जी के द्वारा जो है वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो इसको राजकीय मछली का दर्जा 2023 में दिया गया। नेक्स्ट वन, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने अभी हाल ही में किस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो पटना उच्च न्यायालय में उनको मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, तो इसवाक सिंह ने जो है वो ये पुरस्कार जीता है। नेशनल मेटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। विरासत सप्ताह 2023 का आयोजन जो है वो 19 से 25 नवंबर के बीच में जो है वो ये मनाया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है, यानी कि मुख्य रूप से जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं, हमारा जो पर्यावरण है उसको हमने, हमारी संस्कृति जो है उसको हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट वन है सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, तो नेपाल की सेना के बीच में इसको करवाया जाता है। अभी हाल ही में एक नई काली मिर्च की को जो है वो उसकी किस्म को भी विकसित किया गया, उसका नाम रखा गया है चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होट कुक्ड मील योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अनीश भनवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड जो है वो एक प्रतिस्पर्धा जो है वो हुई थी, उनके द्वारा कांस्य पदक जो है वो जीता गया। उस कांस्य पदक को उन्होंने कहाँ पे जीता है, तो ये जीता है दोहा में, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है, एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें, तो ये थीम जो है वो रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, साथ में 26 नवंबर को संविधान दिवस भी हम मनाते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग से प्लेटिनम अवार्ड जो है वो दिया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उस लघु फिल्म को आपने बताना है जिसको जो है वो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, उस फिल्म का नाम है ओड, और किस पर्पस के लिए दिया गया, क्योंकि इस फिल्म ने जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को काफ़ी प्रमोट किया है। नेक्स्ट वन, मुंजाबिक में भारत का ऊंचा नियुक्त किसको नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्ट शेंट किटोंग को नया राजदूत जो है मुंजाम्बिक गणराज्य में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, चीनी संगठन में भारत को जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे G20 का हाल ही में भारत को अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे चीनी संगठन का अध्यक्ष भी भारत को ही बनाया गया है। नेक्स्ट, अल्टीमेट खो खो का आयोजन जो है इसका दूसरा सीजन जो है वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। गुजरात टाइटल्स के नए कप्तान जो हैं वो शुभमन गिल को बनाया जाएगा, क्योंकि इसके जो पुराने कैप्टन थे हार्दिक पांड्या उनको जो है उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है वो रिटेन कर लिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, उड़ीसा में किया गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक जो कि भारत में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं, और इसका जो शुभंकर है वो है उज्ज्वला। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है, तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीश भानबाल ने जो है वो अभी हाल ही में एक पदक जीता है, उस पदक का आपको नाम बताना है, उस पदक का नाम है कांस्य पदक। ग्राहकों की फ्लाइट टिकट बुकिंग में उपयोग किए जाने वाला या उनकी मदद करने वाला एक नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है, AI बेस्ड
इंडिगो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य ने किस हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है वो बनाया गया है, यानी कि T20, वनडे एंड टेस्ट मैच, तो लोरा बुलार्ड्स को, जो कि वुमेन प्रीमियर लीग जो कि भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है, वहाँ पे गुजरात की तरफ से क्रिकेट खेलती हैं। अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किस देश ने भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीजा देने की अनुमति दी है? तो मलेशिया के द्वारा। इससे पहले दो देशों के द्वारा पहले ही जो है वो फ्री वीजा देने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। 47 वर्ष बाद डेविस कप का खिताब किसने अपने नाम किया? इटली ने अपने नाम किया। गुरु पर्व कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है, इसलिए उनका ये प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता, उनका नाम है रश्मिका भीमी दीप्ति। और मुंबई की एक सड़क का नाम विक्रम गोखले जी की याद में जो है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वो माइक्रोवेव उपग्रह जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद जी को। 2023 का बुकर अवार्ड दिया गया है पॉल लिंच को। कुछ नए क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ पुराने क्वेश्चन, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट हो जाए। पहले हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोलोफर लक्सन जी को नियुक्त किया गया। नो नॉन वेज डे घोषित करने वाला जो है वो राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। नेक्स्ट, कुछ और हमारे नए वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 2023-24 में दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने कितने फीसदी के दर का विकास जो है वो किया है? तो 7.6% इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाएगी। ओपन AI के CEO के रूप में सैम ऑल्टमैन को हाल ही में नियुक्त किया गया है। गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम जो है उसको अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है, जिसके तहत पात्र नागरिकों को फ्री अनाज जो है वो भारत की सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को पूरे भारत वर्ष में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसको मनाया जाता है। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है माइकल डगलस जी को। नेक्स्ट है, कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इनका आयोजित किया जा रहा है। T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने अभी क्वालिफाई किया है? तो युगांडा की टीम ने क्वालिफाई किया है। तो ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हमने क्विज़ के साथ साथ हमने वन लाइनर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, जिसमें हमारे इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल के करंट अफेयर हमारे शामिल थे। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी। हमने हिंदी में इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमारी PDF में आपके लिए बायलैंगुअल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की या फिर SSC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं इसको इंग्लिश मीडियम में भी इसको रीड करना पसंद करते हैं। तो आप इसको
इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ से इस पीडीएफ को ओपन करके जो है वो बाईलिंगुअल आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इससे पहले के हमारे मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारी ऐप के ऊपर, जहाँ पे वीडियो कोर्स में आपको करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको साथ में ही दी जाती है। तो इसकी भी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए विजयपथ गवर्नमेंट प्रेपरेशन, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, फ्री में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे करंट अफेयर की पीडीएफ्स को आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमारे पेड नोट्स को भी परचेज करना चाहते हैं तो उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और नेक्स्ट मंथ में फिर आपके साथ एक करंट अफेयर की क्लास आपके पास लेके आऊँगा, और साथ में आपकी वीकली क्लास भी आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हिमाचल के करंट अफेयर की। तो क्लास के साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपनी रिवीजन कीजिए करंट अफेयर, आप नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।